सो दोस्तों, अगर तुम भी 2 मार्च को कितने घूमन की प्लैनिंग कर रहे हो, कितने घूमन की सोच रहे हो, तो थोड़ी देर अलर्ट हो जाओ, क्योंकि 2 मार्च में कह सकते हो कि काफ़ी जी बारिश तुम देखने मिल सकती हैगी है। काफ़ी चांसिस ने कि कल बारिश हो सकती है, क्योंकि जोड़ा वैसटर्न डिस्टर्बेंस है, जोड़ा आप कह सकते हैं पछमी चक्रवात एक पंजाब वालू मूव कर रहा है, और सवेर तो भी आप देख रहे हैं कि क्लाउडीनैस सी, और कई जगह पर बारिश भी हुई है, लुधियाने भी बूंदाबांदी हुई है। से मद्देनज़र ही आप जरा देख रहे कि कल भी हले वह इफेक्ट रहेगा, बट ये है कि यदा ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं लग रहा। सो कल तक ही यदा इफेक्ट होके उस तो बाद मौसम, कल किसी भी टाइम आप कह सकते हैं कि कल का काफ़ी दिन सारा जो बारिश ही हैगी एक्सपैक्टेड है, उत्तों जड़िया थोड़िया गस्टी विंड्स भी मतलब चलने की संभावना हैगी है। सो काफ़ी मतलब जो मौसम है काफ़ी चेंज हो जाएगा। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त हरदीप दुआ, तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव। सो दोस्तों, अगर तुम भी 2 मार्च को कितने घूमन की प्लैनिंग कर रहे हो, कितने घूमन की सोच रहे हो, तो थोड़ी देर अलर्ट हो जाओ, क्योंकि 2 मार्च में कह सकते हो कि काफ़ी जी बारिश तुम देखने मिल सकती हैगी है, क्योंकि यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस वेल्ले असं खड़े लुधियाना शहर के PAU के जितने कि इस वेल्ले साढ़े मौसम विभाग तो मैम KK गिल तो जानते हैं किस प्रकार के 2 तरीक जी बारिश होने और जी भविखबाणी की जा रही है कि सच है। सत श्री अकाल मैम, वेलकम टू लुधियाना लाइव। हाँ जी, थैंक यू। किस तरह देखते हो मैम, 1 तरीक अच्छ चढ़ चुकी मार्च, और कल 2 तरीक जी भविखबाणी की दस जा रहे हो कि बारिश हो सकती कल? हाँ जी, काफ़ी चांसिस ने कि कल बारिश हो सकती है, क्योंकि जोड़ा वैसटर्न डिस्टर्बेंस है, जोड़ा आप कह सकते हैं पछमी चक्रवात एक पंजाब वालू मूव कर रहा है, और सवेर तो भी आप देख रहे हैं कि क्लाउडीनैस सी, और कई जगह पर बारिश भी हुई है, लुधियाने भी बूंदाबांदी हुई है। से मद्देनज़र ही आप जरा देख रहे हैं कि कल भी हले वह इफेक्ट रहेगा, क्योंकि हले वह पूरी तरह उन्हें पंजाब को कवर नहीं किया, जस्ट एंटर होया, तो जो पास ऑन होएगा तो कल दे मतलब काफ़ी मॉडरेट टू लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने के चांसिस ने, तो बारिश हो सकती है पंजाब के आलमोस्ट सारे जिले च बारिश की संभावना हैगी है, पर उस तो बाद जड़ा है 3 तो अगे जड़ा मौसम है काफ़ी हद तक साफ भी हो जाएगा। सो ये जड़ी मतलब बारिश हैगी है, ये बहुत ही ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले फिर टैंपरेचर बहुत ज़्यादा अब्रप्ट हाई हो गए थे, जिस तरह आप देख रहे हैं कि कल भी टैंपरेचर 25 डिग्री तक पहुँच गया से, हालांकि इन्हों दिनों के इन्ना टैंपरेचर हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि साड़ी वीट क्रॉप जी है हूँ वो ऑलमोस्ट जी दाणा जो भर रहा है, तो वो इन्ना हाई टैंपरेचर जो बेनीफिशियल नहीं है जी। तो वैसे भी जो आप देखते हैं कि जनवरी के साड़ी जी नॉर्मल नालों घट रेनफॉल रही है, तो फरवरी के घट ही रही है ना। सो हुण जिस तरह की बारिश हो जाती है, तो वो एक तो टैंपरेचर थोड़ा फॉल कर जाता है, जोड़ा कि फिर अगों कंसिस्टेंटली है ना हौली हौली वधदा, बट ये है कि यदा ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं लग रहा। सो कल तक ही यदा इफेक्ट होके उस तो बाद मौसम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। येलो अलर्ट किया गया है, क्योंकि जो सारा पंजाब से यदा इफेक्ट आता है तो फिर कुछ येलो अलर्ट जारी किया जाता है, बट बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल के चांसिस नहीं है, क्योंकि एक तो ज़्यादा लॉन्ग परसिस्ट नहीं करेगा सिस्टम, दूसरा इन्ना ज़्यादा स्ट्रोंग भी नहीं है। सो मतलब हाँ जी, मतलब कल किसी भी टाइम आप कह सकते हैं कि कल का काफ़ी दिन सारा जो बारिश ही हैगी एक्सपैक्टेड है, उत्तों जड़िया थोड़िया गस्टी विंड्स भी मतलब चलने की संभावना हैगी है। सो काफ़ी मतलब जो मौसम है काफ़ी चेंज हो जाएगा, एक बार सानू फिर थोड़ा जहा ठंड की जी आमद लगेगी, उस तो बाद फिर ग्रेजुअली टैंपरेचर राइज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ऐसी मैम KK गिल जी ने साफ तौर पर दस्या कि कल जो 2 मार्च है उस बारिश होने की संभावना जी है, खाली जिस राज्य कह लो कि जिस शहर के रेंगे उत्थे ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब दे विच हैगी है, और खास तौर पर कहा गया कि कल जो पूरा दिन जो माहौल है बारिश का बनिया रहेगा। और तुम दसदा कि अगर मैडम ने कहा कि अगर पूरे पंजाब दे बारिश के आसार होने तो येलो अलर्ट भी जो है वह भी घोषित कर दिया जाता है, इस करके येलो अलर्ट भी कल जो मौसम विभाग वालों जो जारी कर दिया गया है। वैसे असं आस करते कि तुम साडा तो प्रोग्राम बहुत ही वधिया लगे होना है। लुधियाना लाइव पेज लाइक करो, सबसक्राइब करो, प्रोग्राम वधिया लगे सो शेयर जो करो। सो कैमरा परसन संजय के नाल हरदीप दुआ ने दी इजाजत, धन्यवाद, और जुड़े रहो लुधियाना लाइव।